जय माता दी। दोस्तों आप माँ दुर्गा के कई चमत्कार टीवी और फिल्मों में देखते होंगे, लेकिन आज हम आपको माता रानी के जिस चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको भी विश्वास हो जाएगा कि कलयुग में आज भी माता रानी अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में जरूर दर्शन देती है। शायद इसलिए आज भी करोड़ों लोग नवरात्रों के दौरान माँ की भक्ति में लीन रहते हैं और माँ की असीम कृपा के पात्र बन जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देवों की नगरी देवरिया में स्थित माँ देवरही का इतिहास बहुत प्राचीन है। माँ देवरही के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, तो देवरही देवी के नाम पर जिले का नाम देवरिया पड़ा है। देवी माँ के दर्शन मात्र से ही एक साथ माता काली, दुर्गा, सरस्वती के दर्शन होते हैं। वैसे तो यहाँ पर हर समय भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन चैत्र महीने में नवरात्र के दिनों में यहाँ भक्तों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। प्राचीन काल में एक स्थान पर खुदाई के दौरान देवी के दो चरण मिले। लोगों के बुलाने पर काशी के विद्वानों ने चरणों की पूजा की और माता देवरही के रूप में पूजा करने को कहा, तथा माता के चरणों की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें माता देवरही के रूप में स्थापित किया। तभी से ये धाम भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। तो शहर के विद्वानों के अनुसार जब भगवान भोलेनाथ माता सती का शव लेकर मृत्यु लोक में घूम रहे थे, तो भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से उनके अंगों को खंडित करते जा रहे थे और उनके अंग देश के कई हिस्सों में गिरे। बताया जाता है कि माता सती का चरण देवरणय में गिरा था, उन्हीं के नाम पर देवरही से देवरिया का नाम पड़ा और इस मंदिर की देखरेख लगभग 300 वर्ष से पैकेली के धनहारी महाराज के निर्देश पर हो रही है। लगभग 10 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस मंदिर में उन चरणों के श्रद्धालु माता की पूजा करते हैं और वहां तीन मुख वाली एक प्रतिमा भी स्थापित है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए धर्म स्टोरीज, जहां आपको सुनने को मिलेंगी धर्म कर्म से जुड़ी सच्ची और अनसुनी कहानियां, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।